Hello students, that video was interrupted. So we were starting different fertilization event. First is pre-fertilization event. इसमें हमने देखा था gametogenesis and gamete transfer. In gametogenesis, we are to focus on these example of isogamete and heterogametes. Then what is the difference between monoecious and dioecious plants? Then what is the term this hermaphrodite means? Then here, तो हम यहाँ पे थे several organism belonging to Monera. Fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but organism belonging to pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. We have studied in 11th class. Kingdom Plantae includes thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. In case of thallophyta and bryophyta, plant body is haploid, and in case of pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, their body is diploid. It is obvious that in case of diploid, the reduction division has to occur if a diploid plant have to produce haploid gamete. So यहाँ पे आपको नोट करना है haploid parent produce gamete by mitotic division and diploid parent produce gamete by meiotic division. So अब यहाँ पे 1 marks का question आता है what are meiocytes? Meiocytes are gamete mother cell which undergo meiosis. In diploid organism, specialized cell, बहुत important है ये meiocyte, नोट कर लेना. In diploid organism, specialized cell called meiocyte, gamete mother cell, these undergo meiosis and these are known as meiocytes. यहाँ पे देखिए इन कॉकरोच यहाँ पे ओवरी भी हैं और टेस्टिस भी हैं. बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर देयर. इन केस ऑफ यहाँ पे देखो ओवरीज एंड टेस्टिस बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज हर्मेफ्रोडाइट. अब यहाँ पे कॉकरोच में देखिए मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर सेपरेट. ये आपको लर्न करना है अच्छे से. फिगर 1.6 में देख लेना. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म बाईसेक्सुअल एनिमल्स आर अर्थवर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स आर कॉकरोच, मोनोसियस प्लांट्स कारा, डायोसियस प्लांट मार्केंजिया एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर में एक एग्जांपल दिया हुआ है स्वीट पोटैटो का. ये टेबल जो आपको दी हुई है टेबल 1.1 ये आपको फिल करनी है खुद से. यहाँ पे देखो मियोसाइट्स विच अंडरगो मियोटिक डिविजन दे हैव डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड गैमिट्स हैव हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इज देयर एनी रिलेशनशिप इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमिट्स. यस इन मियोसाइट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज डिप्लॉयड बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस टू द नेक्स्ट. यहाँ पे है गैमिट ट्रांसफर. इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमिट इज स्टेशनरी. एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी. मेजॉरिटी गैमिट में क्या होगा मेल गैमिट तो मोटाइल होगा और फीमेल गैमिट स्टेशनरी होता है. जैसे एग और स्पर्म इज मोटाइल एंड एग इज स्टेशनरी. बट इसमें भी बिकॉज वी नो दैट बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्शंस आर इफ यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमिट आर मोटाइल देयर इज नीड फॉर मीडियम. अब दोनों गैमिट मोटाइल हैं तो देयर इज नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमिट मूव्स. इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमिट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमिट. सो टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमिट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ मेल गैमिट प्रोड्यूस्ड इन सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमिट प्रोड्यूस. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरोडोफाइट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट बट रिलेटिवली फ्यू फीमेल गैमिट व्हाई. तो इसका आंसर क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट फेल टू रीच द फीमेल गैमिट
टू कंपनसेट द लॉस मेल गैमिट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमिट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स इज लार्ज इन नंबर देन फीमेल गैमिट. इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमिट एंड ओव्यूल हैव द एग. सीड प्लांट में हमने आपने टेंथ क्लास में देखा होगा पॉलिनेशन की प्रोसेस में. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है. दिस बी इज ए पॉलिनेटिंग एजेंट. दिस बी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मीन व्हेन द एंथर ऑफ सेम फ्लावर अटैच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एंड इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. सो यहाँ पे पोलन ग्रेन देखो बी यहाँ पे आती है. इट इज़ ए पॉलिनेटिंग एजेंट. सो दिस बी एक्ट एज ए एजेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. यहाँ पे देखिए अब वहाँ पे सेकंड फ्लावर के अंदर हमें फ्लावर का एक स्ट्रक्चर तो आप सबको पता होगा. दीज आर स्टेमन एंथर पिस्टिल ओव्यूल सेपल पेटल. तो यहाँ पे फीमेल पार्ट क्या होता है दिस स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. मेल पार्ट इज एंथर एंड फिलामेंट. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होगा दिज एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट एंड देन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द सॉरी आफ्टर द पोलन ग्रेन टू द पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड दिस पोलन ट्यूब इज ट्रांसफर्ड अप टू द फीमेल गैमेट दैट इज एग. ये हमने सब टेंथ में पढ़ा था. आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग यू. सो हेयर इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमिट. लाइक पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमिट एंड ओव्यूल हैव द एग. पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर बिफोर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. फीमेल गैमिट फीमेल पार्ट जो प्लांट में होता है उसमें तीन कॉम्पोनेंट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. सो पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. ओके आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा ए पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड देन गैमिट through the pollen tube is transferred near the egg and then fertilization takes place. So the next step is fertilization. This is the most vital event of sexual reproduction. Syngamy, what is the syngamy? Fertilization के लिए हम एक और term use करते हैं that is syngamy. So after the fertilization when male gamete and female gamete fuse there is formation of zygote. What will happen if syngamy doesn't occur? कुछ organisms में क्या होता है without fertilization there is formation of development of new organism. However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifers, honey bee and even some lizard and birds the female gamete undergo development to form new organism without fertilization. This phenomena is known as parthenogenesis. सो अब कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पार्थिनोजेनेसिस को हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों इंक्लूड किया हुआ है. ये इंक्लूड नहीं किया हुआ है. दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन टू द सिंगैमी. एक्सेप्शन तो हम हर जगह हम एक्सेप्शन मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सिंगैमी है पार्थिनोजेनेसिस क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं हो रहा है ऑर्गेनिज्म गैमिट्स का. स्टिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. So where does this syngamy occur? अब syngamy organism की body के अंदर हो रहा है या syngamy organism की body के बाहर हो रहा है. मतलब fertilization if it is taking place inside the body then it is internal fertilization and if it is taking outside the body then it is external fertilization.
यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट। अब फिशेज के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ना एक्सटर्नल होता है लिजर्ड एंड फिशेज के अंदर, बोथ सॉरी फ्रॉग एंड फिशेज के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट बोथ आर रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब देखो बाहर मेल गैमिट फीमेल गैमिट रिलीज हो रहे हैं, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो फर्टिलाइजेशन के, इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में गैमिट्स रिलीज होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग मीडियम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में नंबर ऑफ ओवम लेस होते हैं बट नंबर ऑफ मेल गैमिट आर लार्ज। इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स मैमल, यहाँ पे देखिए फिशेज में, यहाँ पे मेल फिश एंड फीमेल फिश बोथ विल रिलीज देयर गैमिट्स इनटू द वाटर एंड इन द वाटर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये आप पढ़ लेना सारा, ये पूरा पढ़ने का है, मैंने बता दिया है क्लियरली। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों में डिफरेंस, और किस ऑर्गेनिज्म का नाम याद रख लेना किन किन ऑर्गेनिज़म्स में होता है। देन थर्ड आता है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट वाज प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आया था, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। एंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन हमने देखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक था जाइगोट फॉर्म होने से पहले, एक जाइगोट की फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, दीज आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट इज डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों सिंगल है, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट एक्सटर्नली बनेगा वाटर में, जैसे फिशेज ने अपना मेल एंड फीमेल गैमिट रिलीज किए तो वो वाटर के अंदर ही फर्टिलाइज होगा, वाटर के अंदर ही जाइगोट बनेगा। एंड जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बॉडी के अंदर ही बनेगा। इट इज़ जस्ट सेल्फ अंडरस्टूड। सो एवरी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। सो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल जाइगोट से। एंड सिंगल जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो यहाँ पे आप ना वर्ड के मीनिंग जो होता है वो वर्ड के अंदर ही दिया होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा, एम्ब्रियो का होगा। सो एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिविजन। एंड जाइगोट के अंदर हमें पता है क्योंकि यहाँ पे गैमिट फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा सेल डिविजन होगा, माइटोटिक सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। व्हाइल सेल डिविजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिविजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन जाइगोट इंक्रीज इट्स नंबर,
हमें पता है माइटोसिस से एक से दो बनते हैं, दो से फिर चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। तो ऐसे करके सिंगल सेल जाइगोट ने अपने नंबर काउंट को इंक्रीज़ कर लिया। अब वो सारी की सारी सेल्स बाद में डिफरेंशिएट होती हैं, सेल वाले चैप्टर में हमने 9th में पढ़ा था सेलुलर डिफरेंशिएशन, उसमें किडनी की सेल्स अलग होती हैं, लीवर की सेल डिफरेंट होती हैं, मसल सेल डिफरेंट होती हैं, सेक्सुअल सेल अलग होती हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग सेल, ग्रुप ऑफ सेल गेट डिफरेंशिएटेड इंटू द वाइल द सेल डिविजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? देन ओवी पेरस एंड वीवी पेरस, एक क्वेश्चन इस पर भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओवी पेरस एंड वीवी पेरस एनिमल्स। बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड, वेदर दे आर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। अब इन केस ऑफ ओवी पेरस द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस outside the oviparous development of body, so oviparous animal they lay egg and viviparous give birth to young ones। अब जो oviparous animal है जो वो egg lay करेंगे, उस egg को surrounding environment से protect करने के लिए एक protective layer से covered होते हैं calcareous। calcareous का मतलब hard कवरिंग होती है उनके सराउंडिंग में। इन केस ऑफ ओवीपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड द फर्टिलाइज एग इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस शेल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, इट इज हार्ड कवरिंग, हेल्ड इन ए आर लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैच आउट। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, एग से यंग वन बाहर आने का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैच आउट। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ विवीपेरस एनिमल जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ बॉडी। जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है, यंग वन बॉडी से बाहर डिलीवर कर देते हैं एंड दैट इज यहाँ पे हम देखते हैं ओवी पेरस एंड वीवी पेरस में डिफरेंस। ओवी पेरस एनिमल आर बोर्न फ्रॉम एग, यहाँ पे देखो ये एग से बाहर निकल रहा है टर्टल। वीवी पेरस एनिमल आर बोर्न फ्रॉम देयर मदर वोम, वो मदर के वोम से बाहर आता है। यहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर द इवेंट्स एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ ए फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर पता है, सेपल सराउंडिंग में जो होते हैं वो सेपल होते हैं, फिर पेटल्स आते हैं, पेटल्स के बाद आते हैं एंथर, देन स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी स्टेमन एंड देन पिस्टिल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स एंड सेपल पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर विद विदर एंड फॉल ऑफ, वो तीनों गिर जाते हैं। फ्लावर पे क्या अटैच रहता है, सिर्फ पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द फ्लावर। स्टेमन आपको पता है मेल पार्ट को एंड इट इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट, पिस्टिल फीमेल पार्ट, इट इंक्लूड स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। सो ओनली पिस्टिल रिमेन अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल के अंदर भी क्या होता है, सेंटर में जाइगोट गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट एंड विच एंड आउटर मोस्ट लेयर आउटसाइड द फ्रूट इज नोन एज ये आप देख लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है इतना सा, ये भी कई बार पूछ लेते हैं लेबल करके, सीड कौन सा पार्ट है, पेरिकार्प कौन सा पार्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनली किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। गुड लक।